राष्ट्रीय परशुराम सेना राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पंडित सुनील पीढ़ी के नेतृत्व में आज ग्राम पीढ़ी में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर पूजा अर्चना की गई। पूरे विधि विधान से पूजन भगवताचार्य श्यामालाल शर्मा जी ने मंत्रोच्चार के साथ पूरी की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पंडित सुनील पीढ़ी ने सभी देशवासियों को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की बधाई दी। संगठन के जिलाध्यक्ष वैभव उपमन ने बताया कि इस बार परशुराम जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा द्विदिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत प्रथम दिवस 11 दीपक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर जलाए, जबकि द्वितीय दिवस पर सभी ने घर घर भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना की। संगठन द्वारा भरतपुर में भी संगठन के लोगों ने अपने घरों पर भी आयोजन किया। संगठन के सभी लोगों के द्वारा अपने अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भगवान परशुराम का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा संगठन के जिलाध्यक्ष वैभव उपमन, बबिता शर्मा, अनुराधा शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, अनीता शर्मा, रेखा शर्मा, प्रेमवीर शर्मा आदि लोगों ने अपने अपने घरों में रहते हुए भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। राम के वंशज हो तुम, परशुराम के वंशज हो तुम, हर पल ध्यान स्वाभिमान से जीना सीखे, सोचे भारत का कल्याण, बंधो एकता सूत्र नहीं अपनी तानो, संकुनाद कर स्वयं शक्ति को पहचानो, उठो विप्र अब उठो समय को पहचानो, संकुनाद कर स्वयं शक्ति को पहचानो। भगवान परशुराम की जय।